तो गाइस कैसे हैं आप लोग। और गाइस इस वीडियो में मैं आपके लिए टाउन हॉल 9 की न्यू अटैक स्ट्रैटेजी लाया हूं। तो ये जो अटैक स्ट्रैटेजी आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो गाइस इन्वेंट नहीं हो रखी और बहुत बड़ी अटैक स्ट्रैटेजी हमारे क्लैनमेट वैंक्विशर है, उसने ये स्ट्रैटेजी इन्वेंट करी है। तो वैंक्विशर को शाउट आउट। और वो स्ट्रैटेजी का यार पहले बेसिक नेम देख लेते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी को हम क्वीन वॉक गो होप भी कह सकते हैं क्योंकि गॉलम हॉग्स और पेका है इसमें और क्वीन वॉक के साथ। तो ये जो अटैक स्ट्रैटेजी है यार एडवांस्ड फॉर्म है HP HB का। तो आपने सुना होगा यार HP HB मतलब हॉक्स पेका हीलर्स और बोलर्स। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है और टाउन हॉल लाइन पे पेका से 3-स्टार करना तो यार बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आ जाता है देख के अटैक। तो वैंक्विशर की स्ट्रैटेजी है तो इसे वैंक्विशर भी कह सकते हैं, वैसे कुछ भी नाम रख सकते हैं। और चलिए गाइस स्ट्रैटेजी की तरफ मूव ऑन करते हैं। और यहाँ पे अटैक मैं आपको दिखाता हूँ यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अटैक है। तो क्वीन वॉक से अटैक स्टार्ट किया है इस मोमेंट पे और अटैक देखोगे ना गाइस इस पे स्वैग जाते हैं इस अटैक स्ट्रैटेजी से। तो पेका यूज़ करते हुए आप स्वैग कर रहे होगे इस पे तो मज़ा आ जाता है। तो इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि क्वीन हाई लेवल होनी चाहिए बस, और फिर अटैक तो यार तुम्हारा 3-स्टार पक्का ही जाएगा। तो यहाँ पे क्वीन वॉक स्टार्ट कर दिया और विजर्ड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से फनल बना रहा है इस मोमेंट पे और देखते रहो यार अटैक कितना बढ़िया किया। तो यहाँ पे आर्चर टावर डाउन हो चुका है और बारबेरियन किंग यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे शायद रेस्पेल का यूज़ करना पड़े पर नहीं करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, एबिलिटी यूज़ कर दी है इस मोमेंट पे। और यहाँ पे एनिमी क्लैन कासल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं तो आई गेस एक ही पॉइजन लाया और यहाँ पे रेस्पेल यूज़ किया। तो अटैक अभी तक तो यार काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया गाइस इसमें हाई लेवल क्वीन की रिक्वायरमेंट है। तो क्वीन सोच लेना यार हाई लेवल हो तो मज़ा ही आ जाएगा आपको अटैक करने में। तो यहाँ पे गॉलम के पीछे विजर्ड से फनल क्रिएट किया जा रहा है और यहाँ पे पेकास ड्रॉप कर दिए गए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया अटैक चल रहा है अभी तक तो। और यहाँ पे बोलर्स ड्रॉप कर दिए गए हैं तो यहाँ पे अब एंट्री ले लेंगे पेका कंपार्टमेंट में। तो एक जंप स्पेल यूज़ हो सकता है इधर पर, रेस स्पेल यूज़ कर दिया आई गेस, जंप स्पेल लास्ट कंपार्टमेंट में यूज़ करेगा वैंक्विशर। और यहाँ पे अटैक यार बहुत बढ़िया चल रहा है जैसे आप देख सकते हैं, हीलर्स सारे रेज हो चुके हैं और एयर डिफेंस सारे बाहर वाले कंपार्टमेंट में है। तो हीलर्स को भी कोई टेंशन नहीं है, बोलर्स भी सारे अलाइव हैं और एनिमी क्लैन का असल तो पहले किल हो गया था पर एनिमी क्वीन अभी यहाँ पे किल कर दी है। और यहाँ पे हॉग्स डाल दिए हैं एक्सपो की तरफ, एक्सपो को पे सर्जिकल हॉग्स डाले हैं 3-4 और यहाँ पे 2 लून्स ड्रॉप किए हैं और वहाँ से टेस्ला पॉप आउट हो चुका है। तो वो लून्स गाइस टेस्ला की तरफ डायरेक्ट हो गए हैं और टेस्ला भी डाउन हो चुका है। तो अभी एक हील स्पेल और जंप स्पेल बचा है गाइस और एक स्केलेटन स्पेल भी बचा है। तो ओवर पावरिंग देख लो गाइस कितनी अटैक स्ट्रैटेजी है, ओवर पावरिंग है। और यहाँ पे 3 स्पेल्स स्वैग यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अटैक किया है वैंक्विशर ने और स्वैग स्पेल्स आ चुके हैं तीनों एक लाइन में। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक स्ट्रैटेजी है। तो गाइस चलिए दूसरे अटैक की तरफ भी एक बारी नज़र मार देते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे दूसरा अटैक भी स्टार्ट हो चुका है और ये बेस भी यार बहुत ज़्यादा बढ़िया बेस है और टाउन हॉल लाइन का एंटी 3-स्टार बेस भी इसे कहते हैं। अगर आप वॉर्स खेलते हो बढ़िया क्लैन में तो शायद आपको ये बेस कभी ना कभी देखने को मिला हो। तो यहाँ पे क्वीन वॉक से फिर स्टार्ट किया है जैसे नॉर्मली स्टार्ट किया और यहाँ पे क्वीन वॉक बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से चल रही है। यहाँ पे रेस स्पेल यूज़ कर दिया एनिमी के डिफेंसेस को टेक डाउन करने के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही है अभी तक तो क्वीन वॉक। और यहाँ पे बेबी ड्रैगन आर्चर टावर को भी टेक डाउन कर देगा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है यार अटैक अभी। और जैसे कि मैंने आपको बताया यार इस अटैक स्ट्रैटेजी का नाम आप वैंक्विशर रख सकते हो, वैसे नाम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, वैंक्विशर ने अटैक किया तो वैंक्विशर। तो बताओ यार नाम कैसा लगा स्ट्रैटेजी का, बढ़िया लगा तो यही रख लेते हैं वरना आप कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट कर सकते हो। तो आप भी यार अटैक स्ट्रैटेजी ट्राई करना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा ये अटैक स्ट्रैटेजी ट्राई करने को क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया अटैक स्ट्रैटेजी है। टाउन हॉल लाइन पे अगर 3 स्पेल स्वैग कर रहे हो तो यार समझ लो कि कितनी स्ट्रॉन्ग अटैक स्ट्रैटेजी होगी। तो यहाँ पे एक ही पॉइजन में क्वीन और आई गेस क्लैन कासल भी निपट गया तो बहुत बढ़िया यार अटैक तो यार मतलब माइंड ब्लोइंग लेवल पे किया है वैंक्विशर ने। अटैक देख के यार मेरे को भी मज़ा ही आ गया।
और यहाँ पे अब बोलर्स वॉल तोड़ रहे हैं और हीलर्स अभी भी बचे हुए हैं, तो हीलर्स इसमें बचाना मेन एम है। और गाइस अटैक उस बेस पे करें जहाँ पे मतलब एयर डिफेंसेस आउटर कंपार्टमेंट्स में हो, तो वैसे तो आजकल मोस्टली बेसिस में आउटर कंपार्टमेंट में ही होते हैं एयर डिफेंसेस, तो कोशिश करें यार आउटर कंपार्टमेंट्स में हो जहाँ पे एयर डिफेंस, उसी बेस पे अटैक करें इस अटैक स्ट्रैटजी से। वैसे तो कोई भी बेस 3 स्टार हो जाएगा इस अटैक स्ट्रैटजी से, पर फिर भी सेफ्टी के लिए आप जहाँ पे एयर डिफेंस आउट हो आप उसी पे अटैक करें। तो अब यहाँ पे एक हील स्पेल बचा हुआ है और एक स्केलेटन स्पेल बचा हुआ है, तो शायद स्केलेटन स्पेल यूज़ कर ले टेस्ला को टेक डाउन करने के लिए। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, हॉग्स अभी क्लीन अप में लगे हैं, वैसे तो कर भी सकते हैं स्केलेटन स्पेल से क्लीन अप के लिए कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बोलर्स वॉल तोड़ रहे हैं और लास्ट आर्चर कोने वाली बिल्डिंग्स के क्लीन अप के लिए रखा हुआ है, तो बारबेरियन किंग की एबिलिटी यूज़ कर दी है इस मोमेंट पे और हॉग्स जाके फोड़ देंगे वो लास्ट टेस्ला टावर। और यहाँ पे बेस तो यार 3 स्टार हो ही जाएगा, गॉलम भी फुल हेल्थ पे आ गया, हीलर्स लगे हुए हैं उस पे, और आई गेस यार बहुत ज़्यादा बढ़िया अटैक। और यहाँ पे मैं 4x कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अटैक किया है यार, मज़ा आ गया। और यहाँ पे स्वैग स्पेल भी आ चुका है जैसा मैंने आपको बताया, तो गाइस आपको हाईली रिकमेंड करूँगा ये अटैक स्ट्रैटजी ट्राई करें। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब किए बिना तो गाइस मत ही जाना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, पीस।